पाटी जाना था आए कोई आएगा तुम्हारा
हो साहेब तुम्ही
एक मिनट स्टील पड़ी है ना कैमरा ज़्यादा थोड़ा सा पीछा ज़्यादा चलना ये ज़रा वर्क है वर्क है डाला क्या है बाल इतना तम 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 थोड़ा सा आगे ड्राइवर हेलो ड्राइवर कुछ रहे बस बैठो तू ला हाँ हाँ एक सेकंड शायद स्टील फोटो ए उंगली नीचे ले
अरे चलो ना वाले ना ड्यूटी आता तुम्ही आता आमची ड्यूटी करू काय राहिलं का नाही चला जरा पाठी आहे थोडासा मित्र थोडंसं पाठी गाडी आपली कुठल्या बाजूला चल चल की आता झालं ना चल ना अहो पावणं झालं हा पावणं 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 अरे मी माझं अंगच तेवढं तर काय करणार रस्ता थोडा रस्ता थोडा कमांडर थोड़ा सा कमांडर हो कमांडर कमांडर थोड़ा सा पार्टी हाँ बस 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 इतनी एक दर 10 सेकंड था बस 10 सेकंड 10 सेकंड 10 10 सेकंड चल बाबा मित्र 10 सेकंड था ये तेला कमांडर ओ जैन साहब तमाना तलाई कैसा ये बहुत बेचारी खाओ खा बता है तकलीफ से ज़िंदगी ज़्यादा देती है बहुत उनके लिए निजात साबित हुई लेकिन मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है कि उन्होंने कई तरह सिर्फ लाइन वालों से कहा दोस्तों से कहा रिश्तेदार तो हर कोई ज़्यादा थे नहीं यहाँ तक कि उन्होंने अपने फैन से भी रिक्वेस्ट की कि मैं गिरी हूँ मुसीबत बीमार भी हूँ और अदालतों में केस भी चल रहे हैं पुलिस केस भी चल रहे हैं कोई मेरी मदद कर कम से कम फिल्म लाइन नहीं सामने आती तो मेरे फैंस आए और मेरी मदद करें ये सोच के कि बस जिंदगी बाहर लेकिन अफसोस एट द सेम टाइम ये भी जानना चाहिए जब वो आपके शो में आएंगे फूल के बच्चों के जब तक कुछ उसकी याद बताई थी उसकी याद हुआ फूल की तो बेहद हसी बेहद खूबसूरत बेहद जोड़ियाँ थी बहुत प्यारी फिल्म के पर्दे पे आई तो उनकी फिल्म में देखो तो लगता है कि आसमान का एक चमकता हुआ सितारा वो अब मैं और भी फूल साधना जी हमारे बीच में नहीं है क्या साधना जी हमारे बीच नहीं रही और जो भी इस दुनिया में आता है वो एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के चला जाता है लेकिन साधना जी बहुत दुखी होके गई आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेली थी बिल्कुल तनह थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी उनके साथ रहने वाला केयर करने वाला कोई भी नहीं था वो कहती थी मौत तो बेचारी बदनाम है ज़िंदगी ज़्यादा तकलीफ देती है और वाकई जब तक वो जिंदा रही आखिरी दिनों तक बेहद तकलीफ़ में रही उन्होंने बहुत गुहार लगाई दोस्तों की रिश्तेदार तो खैर थे नहीं पति भी नहीं थे माँ भी वो नहीं बन पाई लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है सब पहुँच जाते हैं
थोड़ी बहुत शर्म हो तो अंतिम संस्कार में भी आ जाते हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में पर्सनली कौन आदमी या कौन औरत कैसे जी रही है, किन हालात में जी रही है, कोई खबर नहीं लेता। मैं बस, मेरे से बोला नहीं जा रहा। थैंक यू मैम। एक सेकंड जरा।